आयशा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर? सरदार जी आप? हाँ क्यों? चोरी चोरी लड्डू क्यों खा रहे हो? आप तो बड़े हो ना? क्यों, मैं टेबल के नीचे आके खाना नहीं खा सकता क्या? वैसे यहाँ चोरी छुपे खाने में मुझे बड़ा मजा आता है। वैसे मेरा नाम है रफ्तार सिंह। मैं आशा। ये ऊपर जितना भी खाना लगा है ना, ये सब मेरी केटरिंग के दुकान से, सिंह केटरिंग। हमें रस्सी को आग लगानी है, बोला समझा, जिससे पिलर बंधा होगा। और मेरी बात सुन, सबसे मेन बात यह है कि यहाँ वो रस्सी जलेगी, वहाँ उस रोशनी की आखिरी चीख निकलेगी। चल। ये भी खा ले। सीड पुत्र, क्या हालचाल है? जीती रह ले पकड़। मुबारक हो पुत्र। ओए तू भी आई है, तुझे घर वालों ने बाहर नहीं निकाला अब तक? सेठ। बड़ी दादी। आयशा चलो, अब तो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। नहीं मुझे यही लाना, मुझे नहीं खाना खाना। आयशा बेटा खुदा के वास्ते चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। नहीं प्लीज मुझे इधर रुकने दो, प्लीज मैं पापा के साथ ही रहना। तुम लोग बातें करो, आयशा को लेके मैं जाता हूँ। फाइन, आई विल सी यू। आ जाओ बच्चे, पहले हम खाना दबाएंगे उसके बाद रसगुल्ले उड़ाएंगे। ओके खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन बच गई। सिद्धार्थ, अरे मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी, रोशनी कहाँ है? जी रोशनी तो नीचे है, मैं आयशा को लेके ऊपर आया था खाना खिलाने के लिए। क्या कर रही है वो? कैसु? ठीक है मैं उसको बुलाकर लेकर आती हूँ। नहीं रुकिए ना, मैं साथ में चलता हूँ आपके। पापा रुको, मेरी डॉल भी वहाँ रह गई पीछे। तो एक साथ चलते ना नीचे। चलो अच्छा चलो, तुम भी चलो फिर साथ में। आइए सासु माँ। रोशनी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक। सरदार सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं नहीं जानता कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। मैं कोई बात नहीं जी, साडा धर्म है। थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक्स अ लॉट। पता नहीं मुझे शक क्यों हो रहा है, इतना बड़ा एक्सीडेंट, यही सच में हादसा था या किसी ने जान पूछ कर? सोचने वाली बात है। केरोसिन, केरोसिन की बदबू आ रही है आयशा के कपड़ों से। There's something not right, रोशनी। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्ची के कपड़े से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक एक्सीडेंट नहीं है, कोई ना कोई प्लान करके ये सब कुछ कर रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग? जासूसी का कीड़ा है ना तुम्हें, हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात को इन्वेस्टिगेट करने बैठ जाते हो। तुम्हारा खाना डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है सब करे बिना। सिद्धार्थ टेक इट इजी, इतनी बड़ी पार्टी थी, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं यार। ये बताओ मुझे, अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ होता तो छोड़ देती, ऐसे इग्नोर कर लेती? शट अप। तो फिर कुछ गड़बड़ है और मुझे पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है। ये तो बस शुरुआत है रोशनी, सिड और डीडी, तुम सबकी हंसी हमेशा के लिए खामोश करने आई हूँ मैं।